नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज जिस कंडीशन की मैं बात करने जा रहा हूँ वो मोस्ट ऑफ द किडनी के पेशेंट्स उससे सफ़र करते हैं। अब वो बेसिक सफ़र क्या करते हैं, उनको ओलिगोस्पर्मिया डिटेक्ट होता है कॉज ऑफ किडनी, मतलब अगर उनकी किडनी फेलियर का कंडीशन चल रही है या किडनी में CKD PKD या AKD है तो उनको ये दिक्कत आ जाती है कि उनको स्पर्म काउंट में डेफिशिएंसी मिलती है। अब उसी कंडीशन के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले जान लीजिए हमें मिलती क्यों है वो। सबसे पहले हमारी किडनी की फंक्शनिंग होती है, एक वो फंक्शनिंग है क्या कि वो आपकी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालना, और दूसरी की वर्किंग क्या होती है, बेसिकली अमीनो एसिड और प्रोटीन को आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब कराना और फिल्टर करना, ये बेसिक उनका किडनी का फंक्शन है। अब इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड करता क्या है, वो हमारे प्रोटीन को क्या करता है, प्रोटीन को हमारी बॉडी में लगाता है। तभी देखा जाए तो कुछ डॉक्टर्स आपकी प्रोटीनियस डाइट को ही बंद करवा देते हैं जिसकी वजह से आपको दिक्कत आए, या कुछ डॉक्टर्स होते हैं आपकी पोटेशियम की डाइट को कम करवा देते हैं किडनी के पेशेंट्स में। वो इसलिए बंद करवा देते हैं क्योंकि पोटेशियम से आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, और अगर आपकी बॉडी से प्रोटीन लॉस हो रहा है, आई मीन उससे प्रोटीन बाहर जा रहा है यूरिन के थ्रू, तो वहाँ पर वो आपकी प्रोटीन की डाइट कम कर देते हैं, बट कि वो गलत करते हैं। यहाँ पर जब भी वो आपकी प्रोटीन की डाइट को कम करते हैं वो आपकी बॉडी को और दिक्कत में डालते हैं। वो कैसे कि आपकी बॉडी में प्रोटीन जाएगा ही नहीं तो आपके स्पर्म काउंट बढ़ेंगे कैसे। स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए हमारी बॉडी में प्रोटीन चाहिए। हमारे जो स्पर्म होते हैं प्रोटीनिशियस होते हैं जिसकी वजह से हमको हेल्प मिलती है एज इन उसको ट्रैवल करने के लिए। अगर हमारे स्पर्म जो बने हुए प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा से बने हुए, जिसकी वजह से अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन कम होगा और वो दिक्कत बढ़ाएगी आपकी ओलिगोस्पर्मिया या जिसे मैं बोल देता हूँ डेफिशिएंसी ऑफ किडनी में। अब किडनी की ट्रबल तो है, अब यहाँ पर किडनी को तो हम समझ सकते हैं कि वो ट्रबल कर रही है, बट यहाँ पर स्पर्म काउंट को कैसे बढ़ाएं। देखो अगर आपके कंडीशन, मतलब अगर देखा जाए अगर आप डायलिसिस करवा रहे हो किडनी फेलियर में, या आप नॉर्मल एक अभी स्टैटिक पॉइंट पे हो, एज ए क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत आपके जो रिपोर्ट है वो थोड़ी सी हैम्पर है और आप यहाँ पर प्रोटीन की डाइट नहीं ले रहे हैं तो शायद आप गलती कर रहे हो। आप यहाँ पर दालें वाले स्टार्ट कर सकते हैं, आप मत खाओ नॉनवेज वगैरह, अंडे वगैरह, आपको ऐसी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, बट वहाँ पर आप दालों का सूप लेकर पी सकते हो। आप तीन दालों को थोड़ा फोकस कर सकते हैं, मूंग की दाल खा सकते हैं, मोठ खा सकते हैं या उड़द की दाल खा सकते हैं। अगर उड़द की दाल आपको एसिडिटी नहीं देती है तो इट मीन्स कि आपकी कंडीशन शायद आज से कवर थोड़ी होनी चालू हो जाए, मे बी शायद आपका ओलिगोस्पर्मिया थोड़ा सही लेवल पे आ जाए, थोड़े से स्पर्म काउंट बढ़ने चालू हो जाए जिसकी वजह से आपको दिक्कत ना आए। अब किडनी के पेशेंट्स को कोई आयुर्वेद मेडिसिन एज सच भी कोई रिकमेंड नहीं करता, मैं तो नहीं करता अपने लेवल पे, बट अगर कोई डॉक्टर आपको कर रहा होता है तो वो दिक्कत में डाल रहा होता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में इस कंडीशन में कोई भी हैवी मेटल वाली चीज़ें, क्योंकि हमारे अगर हम ओलिगोस्पर्मिया को क्योर करने की कोशिश करें तो उसमें रसायन लगते हैं, और रसायन देना एक तरीके से आपकी बॉडी पे टॉक्सिन्स को बढ़ाना, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप रसायन या मेटल वाली कोई भी हैवी मेटल वाली कोई चीज़ लेते हैं तो क्या कर सकता है, वो आपको कार्डियक अरेस्ट दे सकता है। कार्डियक अरेस्ट जैसे कि मैंने अभी बताया था कि पोटेशियम नहीं खाना, पोटेशियम भी आपको कार्डियक अरेस्ट दे सकता है। वही कंडीशन होती है अगर हमें आपकी बॉडी में किडनी अगर आपकी ख़राब है या आप डायलिसिस पे हो और मैं आपको एक हैवी मेटल वाली कोई मेडिसिन दे रहा हूँ वो आपको कार्डियक अरेस्ट दे सकती है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हमने बहुत लिमिटेड प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, अगर हमें आपके स्पर्म काउंट बढ़ाने हैं तो बहुत लाइट प्रिस्क्रिप्शन जिससे आपकी बॉडी कभी हैम्पर ही ना करे। अगर आपका किडनी फेलियर हो रहा है तो उस पर ऐसा कोई दिक्कत ना दे, और इसके साइड बाय साइड आपकी किडनी की फंक्शनिंग को भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए कि आपकी प्रोटीन लॉस ना हो। अगर जहाँ पर प्रोटीन लॉस हो रहा होगा वहाँ पर आपके स्पर्म काउंट अपने आप ही लैक करना चालू कर देंगे। और अगर आपको कुछ भी जानना है अपनी किडनी और अपने स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए तो आप बेचिंतित होकर नीचे दिए हुए नंबर पर अपनी किडनी की रिपोर्ट्स भी शेयर कर सकते हैं, और साथ साथ अपने सीमन एनालिसिस की भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको और कोई कंडीशन है रिगार्डिंग अपने स्पर्म काउंट के, या आपको ओलिगोस्पर्मिया एज़ोस्पर्मिया डिटेक्ट हुआ है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमें रिपोर्ट शेयर करके मेरे डॉक्टर से, मेरी टीम जो आपसे बात करती है करती रहती है, आप उनके साथ बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और शायद उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, किडनी के पेशेंट्स जो थोड़ा समझ पाए हों इसको, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।